नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश ने लोकप्रिय स्तंभ चतुरी चाचा के प्रपंच चबूतरे से लेकर एवं लोक कथा वाचक नगेंद्र बहादुर सिंह चौहान पत्रकार को पद्मश्री डॉक्टर विद्या सिंह बिंदु लोक संस्कृति ध्वजवाहक सम्मान 2022 से सम्मानित किया। लोक विमर्श 2022 के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमतीनगर में छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लेखिका मृणालिनी ओझा और स्वतंत्र पत्रकार लेखक नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान को पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी ने अपने हाथों से सम्मानित किया। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के माध्यम से लखनऊ को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में सक्रिय नागेंद्र ने इस सम्मान के लिए लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के सचिव सुधा द्विवेदी एवं लोक संस्कृति योद्धा शशिकांत द्विवेदी गोपाल के प्रति आभार व्यक्त किया। सुव्याख्यात लेखिका एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह अपने आशीष वचन में कहा कि कोरोना महामारी की पहली अनजानी व डरावनी वेब के दौरान नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान ने पूरे लॉकडाउन में रोज फेसबुक पर लाइव होकर दादी नानी की लोक कथाओं को सुनाया था। बच्चों को पुरातन के शिक्षाविद कहानियां सुनने का अवसर मिला था। इसके अलावा नागेंद्र की लोक कथाओं से आम जनमानस को मनोबल उनका बढ़ा था। वह आज भी अपने कॉलम चतुरी चाचा के प्रपंच चपूद्रे से के माध्यम से लोक संस्कृति के उत्थान में हम सब का हाथ बांट रहे हैं।